वीडियो क्लिप मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ भी। ये छोटी सी सेवा है श्री जी की, नहीं लगा रहे हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और सर कैसे हो? बड़े दिन बाद दर्शन दिए सर। बहुत बढ़िया सर। सर क्या लेके आए हो आज, दिखा दो सर सबको। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा था पिछले साल हमने एक वीडियो डाली थी इस बारे में, दिसंबर के अंदर, जो की मात्र 3600 रुपए का हमने रेट निकाला। अच्छा, अगर आप 5 महीने बाद इसका रेट अपग्रेड हो चुका है। अच्छा, आज की डेट में जो 3900 रुपए का पैकेट आपको पड़ेगा, 3900 रुपए में आपको ये सोलर आपको साथ में मिल रहा है। अच्छा, ये सोलर मिलेगा? दो सोलर है ये, ठीक है। ओल्ड भी हो जाते हैं इसके साथ, 10 मीटर वायर है। अच्छा, ठीक है सर। और इसके साथ ये फैन आएगा आपके पास। अच्छा, और इस तरह की बैटरी आएगी, ठीक है। और बैटरी के अंदर बैटरी दिखा देता हूँ। जी जी, इस तरह की बैटरी होगी। अच्छा, आप यहाँ लगाएंगे तो ये ऐसे इंडिकेटर शो करेगा। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसको फिट कैसे करना है, जैसे हमने ये पैकेट आपको भेज दिया, हाँ जी, आपको कैसे फिट कैसे करेंगे सोचने वाली बात है ना। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले आपने ये नट तीन खोलने हैं। अच्छा दिखाइए सर, देखिए ये आपने तीन ऐसे नट हाथ लगा के ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाथ अच्छे नीचे लगा के हाथ ऊपर तक खोल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे करके आपने तीनों नट खोलने हैं, ठीक है। ये देखिए, यानी कि हाथ से ही खुल जाएंगे। बिल्कुल हाथ से खुल जाएंगे, ऐसे पीछे से उंगली से दबाइए और ऐसे खोल लीजिए, खुल गया, ठीक है सर। एक और पीछे लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसे करके ऐसे हाथ से खुल जाएंगे नट। ये देखिए, खुलने के बाद आपने इसको जैसे रखा हुआ है, जैसे ये जो साइड है इसको आपने ऐसे उठाना है। अच्छा, ये मतलब ऐसे खुल जाता है, ऐसे उठ गया। उठने के बाद देखो ट्रांसफार्मर इधर पीछे की तरफ है। अच्छा, ठीक है। आपने ये देखो, दो तार ऐसे निकलेंगे आपकी, हाँ जी, रेड और ब्लू। ये ठीक है, इस तार को यहाँ रखना है और इस क्लिप को आपने यहाँ ऐसे ये रख देना है। अच्छा, बैटरी को यहाँ लगा देना। रख दिया, ठीक है सर। रखने के बाद आपने ये जो बैटरी की क्लिप है, हाँ जी, ये बैटरी क्लिप को आपने यहाँ रेड वाली रेड पे, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए आप, ये बैटरी की क्लिप को आपने रेड वाले पैसे लगा दिया, ठीक है। और ये जो ब्लू वाली को ब्लैक में छोड़ दिया। अच्छा, ठीक है। ये कभी ब्लैक भी हो सकती है। अच्छा, और कभी ब्लू भी हो सकती है। ओके, पर रेड वाली रेड पे ही हमेशा रहेगी। दर्शकों याद रखें, यहाँ पे ब्लू भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, ठीक है सर। ये हो गया, आप चढ़ गया। चढ़ने के बाद आपने वैसे ही वापस रखना है जैसे ट्रांसफार्मर बैक साइड में है, और ये आगे की तरफ रहेगा, और वापस आपने इसमें ऐसे ही वापस रख देना। अच्छा, ये देखिए आप, जैसे इसमें इंस्टॉल हो गया अंदर, ये देखिए, ये घुस गया, देख लीजिए, देखिए आपके तीनों पेज इसमें घुस गया है, हाँ जी। और उसके बाद आपने दोबारा से एक उंगली लगा के, जैसे आपने यहाँ पीछे उंगली लगानी है, उंगली लगा के इसमें फिर नट आपको ऐसे टाइट करना है, धीरे धीरे टाइट करना है, ठीक है। अच्छा, ऐसे टाइट हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये देखिए आप, हो गया जी। और एक मिनट, हो गया, यहाँ लगा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कस्टमर को हम बेचते हैं वहां पे उनको समझ में नहीं आता कि फिट कैसे करना है। हाँ जी, उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए जैसे आप ये बटन दबाएंगे, देखिए हाँ जी, बहुत ही बेहतरीन आराम से हवा हो रहा है ना। हाँ जी जी, बहुत ही बढ़िया चीज। हाँ जी, हवा चलेगा नहीं। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी, ये देखिए आप, ये बल्ब आगे बल्ब, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या स्पीड 2 है, अच्छा, हाई है, अच्छा, बंद है, यहाँ लगाना है। कितने वाट का बल्ब होता है? 10 वाट के आसपास। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कितने मीटर वायर है सर इसमें? 5 मीटर वायर, 5 मीटर वायर है इसके अंदर, 10 वाट का बल्ब है, इतनी तेज रोशनी के साथ। सर ये हो गया। अच्छा, इसमें एक मोबाइल चार्जिंग की किट दे रहे हैं हम आपको। अच्छा, मोबाइल चार्जिंग की, ये आपने यहाँ लगाया आपने इसके अंदर, ठीक है, ये आपकी बत्ती जल गई, ठीक है, बत्ती। इसमें आपको क्या है, सैमसंग का ओल्टीना, जैसे मान लो जैक है, आप ये लगाएंगे, देखिए ये देखिए लगा दिया मैंने, ये देखिए चार्जिंग निकाल लगा। अच्छा, डायरेक्ट मतलब चार्जिंग भी होता है, 17% बैटरी, 2-3 घंटे में आपका फर्स्ट क्लास चार्ज होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ जी, हो गया दोबारा का। तीसरा आपने देखा, ये बिजली वाली लीड, ये आपको लीड साथ ही मिलेगी, मैंने आपको बताई थी। अच्छा, बिजली की लीड मैंने आपको देखो लगाइए, ये बिजली की लीड यहाँ लगानी है आपको, ये बिजली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। आप रह गया साथ चार्ज होगा, यानी रात को 6 घंटे 8 घंटे आप इसको लगा दीजिए बिजली से, तो बिजली से भी फुल चार्ज हो जाएगा, 6 से 8 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा मैं बताता हूँ आपको सोलर के बारे में। सोलर ये आपको देखिए, ऐसे सोलर आएगा। अच्छा, ये सोलर आपको छत पे आपको रख देना, एंगल ऐसा बना के सूरज की रोशनी हमेशा इस पे पड़ती है, ठीक है, ध्यान रखो। बीच में रखना है, सूरज बीच में घूम के आ गया तो सेंटर में ऐसे रखना है कि हमेशा सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है। अच्छा, जितनी ज्यादा सूरज की रोशनी तेज पड़ेगी इस पे, जितनी ज्यादा चार्ज होगा उतना देर तक आपका पंखा चलेगा, यानी कि छांव में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, छांव में रखने से ज्यादा नहीं बढ़िया काम करेगा। ये देखिए इसकी तार देख ली आपने, तार को मैंने इसमें लगाया यहाँ पे चार्जिंग वाली, देखिए इस पर आ रहा हूँ, ये देखिए ये लगा दी, ठीक है। अभी देखो बत्ती नहीं जल रही है, जैसे मैं इसको खोलूंगा ये देखिए जल्दी। हाँ जी, हाँ जी सर, खुलते ही मतलब रोशनी से ही काम कर रहा है, रोशनी से ही काम कर रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं सर, बहुत ही मतलब ये कि आप इसको धूप में रख दीजिए,
पूरा दिन सुबह रख दीजिए, रात को इसको परमानेंट पड़ा रहने दीजिए। अच्छा। आपको अपने नीचे नीचे लाके अपने पंखे में लगाइए और चार्ज होता रहेगा आपका पंखा। लाइट जलाइए, मोबाइल चार्ज कीजिए, फर्स्ट क्लास चलेगा, कोई परेशानी आपको नहीं। बहुत ही बेहतरीन सर, बहुत ही। कई लोग इससे पूछते हैं इसमें वारंटी क्या, लाइफ क्या, इसके बारे में बताएं। हाँ जी, उसके बारे में भी बता देता हूँ मैं। देखो सोलर 25 से 30 साल कुछ नहीं होता, फर्स्ट क्लास आपका चलेगा। और ये पंखा भी 5 से 10 साल आराम से चल जाता है, पंखे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल 5 साल में कभी कोई मोटर में प्रॉब्लम आ भी गई तो आप हमें फोन करके मोटर भी मंगा सकते हैं, पर 5-10 साल आराम से खींच जाता है पंखा। अच्छा, ठीक है, 5-10 साल आराम से खींच जाता है। दूसरा बैटरी करीब 2 साल के अंदर आपको चेंज करनी पड़ेगी, कई बार 3 साल भी अच्छी चलती है। अच्छा, हाँ 2 साल में आपको बैटरी बदलनी पड़ेगी। और इसके अलावा क्लिप देखिए आपने कैसे करना है, बस क्लिप हटानी है और बैटरी को अपना लाके दूसरा रख लो। और बाकी इसमें कुछ भी खराब होने वाला नहीं है, ये ना मोबाइल चार्ज खराब होने ना बल्ब खराब होने वाला है। अभी हो भी जाए तो आप मंगा सकते हैं, सब इंडियन है, सब इंडियन है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, कोई परेशानी आपको नहीं मिलेगी। सारे प्रोडक्ट हम लोग हमारे पास ही बनते हैं, हमारी कंपनी के एक्सो इंडिया के नाम से हमारी कंपनी है, एक्सो इंटरनेशनल जो यूट्यूब चैनल है ये भी हमारी कंपनी की है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। बाकी आपको बताया ये पेमेंट हमारी कंपनी के नंबर पे ही करना है, जिसका आपने बताया पूरा डिटेल। बाकी ये भी हमारी वेबसाइट है exoy.com, इस पे आप जाइए और इस पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं आप। ओके सर, बहुत ही। बाकी हमारा नंबर तो आपको स्क्रीन पे देखिए आप। 9 ऑर्डर करने का ना, ऑर्डर करने का पेमेंट नंबर ही बता दीजिए सर। ऑर्डर करने का नंबर जो मैं मुंह से बता रहा हूँ वही आप समझिए, ऐसा होता है कई लोग फ्रॉड भी बहुत करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, 9212012618, ठीक है। इसके बाद आएगा लिखकर एक्सो इंडिया। अच्छा। एक्सो इंडिया हमारी कंपनी का नाम है। अगर आपको भरोसा ना हो तो उसका तरीका ये होता है, आप गूगल पे जाके हमारे चैनल का नाम यानी एक्सो इंटरनेशनल या एक्सो इंडिया आप सर्च कर सकते हैं, पूरी जानकारी हमारी लाइफ हमारी हमारी कंपनी के बारे में बता दिया जाएगा। बताया एड्रेस भी इस पर डाला हुआ, एड्रेस भी आप ढूंढ सकते हैं। तो सर ने जो प्रोनाउंस करा है कि ये जो नंबर आपको बताया गया है 9212012618 ये कंपनी का नंबर है, इसी नंबर पेमेंट कर लीजिए। और किसी भी नंबर पर पेमेंट नहीं करनी है आपको, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं, फिर बाद में वो हमें कंप्लेंट करें, उसके लिए मैं जिम्मेदार, हमारी कंपनी हम नहीं होंगे, ठीक है सर। और हाँ, सिर्फ हमारे चैनल पे देखेगा यानी एक्सो इंटरनेशनल चैनल पे ही जो वीडियो डलती है उसे ही वेरीफाई मांगे, इसके अलावा कहीं और किसी चैनल की वीडियो को वेरीफाई ना मांगे, ठीक है। पहली बात तो मैं सभी अपने सब्सक्राइबर के लिए के धन्यवाद करता हूँ कि आज 7,000 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल के। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो ये वाले हमारे मॉडल्स हैं आपने सुना होगा, ब्रिज बरसाना में गोवर्धन मतलब मथुरा के पास जो बरसाना है वहाँ पे ब्रिज बिहार चैनल जो हमारे हैं। अच्छा। वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनका मतलब बहुत ही मतलब सराहना करता हूँ उस बात के लिए। हाँ जी। भाई उन्होंने संतों के लिए जो भी उन्होंने दान कर रहे हैं, जिस तरह से वो गर्मी के अंदर उनको फैन दिए जा रहे हैं या जो भी वो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनका बहुत ही सराहना करता हूँ। और बहुत ही मुझे अच्छा लगा उनकी वीडियो क्लिप मैंने देखी और आप वीडियो क्लिप में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ भी। ये छोटी सी सेवा है श्री जी की, नहीं लगा रहे हैं। या को मतलब बातें हो चल रहे हो, ये तार है बल्ब को सर रात में। अच्छा। हाँ जी, ऐसे टंगे आपने प्रबंध किया है, देखो आनंद है। बहुत ही अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से हमारी कंपनी भी हम चाहेंगे अगर कोई इस तरह का अच्छा काम करता है तो हम भी अपनी तरफ से जो भी मदद करना चाहेंगे हमारी कंपनी पूरी मदद उनके लिए करेगी, जरूर करेगी। ठीक है सर, मिलते हैं अगली वीडियो में। सर सलाम, नमस्ते, टेक केयर एंड सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर जी। ठीक है सर।